हॉस्टल नंबर 3 सरोजनी हॉस्टल का। इसे एक थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया है और इसमें जो प्लांट्स लगाए गए हैं वो ज़्यादातर प्लांट्स हैं जो लड़कियों के पर्पज़ से, जो उनको हेल्थ के लिए, स्किन के लिए या फिर उनकी लॉन्ग टाइम के पर्पज़ के लिए, जो भी कोई प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। और हमारे जो यहाँ पे बुज़ुर्ग साहबान हैं जो फिर हमारी जो कैंटीन में काम कर रहे हैं, MS में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए कि उनका कुछ ना कुछ बेनिफिट सबको हो सके। यहाँ पे अजवाइन का प्लांट है, ग्रीन टी है जो सबके लिए आजकल जो एक फैशन भी बन गया है और हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी भी है, उसके लिए लेमन ग्रास है, स्टीविया है एंड इलायची का प्लांट लगाया गया है। और इसके अलावा मुसल्ली है, बच्चा है जो बच्चे का प्लांट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी हेल्पफुल है। पुदीना है, पुदीने की 2-3 वराइटीज़ हैं। यहाँ पर काला बासा लगाया गया है जो बुखार के पर्पज़ से भी यूज होता है। और इसके अलावा अपराजिता लगा हुआ है, यहाँ पर कोई फोड़ी फिंसी या फिर कुछ भी कोई ऐसी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो फिंसी टाइप हो तो उसके लिए पत्थर चट का प्लांट जो हमने यहाँ पे लगाया है। इसके अलावा डॉन्ट टच मी और कुछ सदा सुहागन का प्लांट लगाया है जो ज़्यादातर मैंने सुना था कि इसमें कैंसर की मेडिसिन जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनती है उनके लिए हेल्पफुल है, तो ऐसे कुछ प्लांट्स हैं। उसके अलावा एलोवेरा जो स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, एलोवेरा की 2-3 वराइटीज़ हमने यहाँ पे लगाई हुई है। और इसके अलावा फ्रूट का भी प्लांट है जो आप देख रहे हैं कि अमरूद का प्लांट लगाया गया है। इसके साथ ही था सरोजनी हॉल के GH3 ने, वालों ने सारे हर्ब्स इकट्ठे किए एंड दे स्टार्टेड यू नो प्लांटिंग इट एंड आई थिंक सो इट वाज अ वेरी गुड एफर्ट। दे रियली वर्कड वेरी हार्ड एंड इट हैज़ बीन सिंस यू नो 7 months दे हैव बीन डूइंग इट एंड टुडे आई थिंक सो वी आर एबल टू गिव द शेप टू इट एंड वी विल कीप ऑन एडिंग एंड आई होप दिस यू नो द स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिटेड, दे विल बी टेकिंग हर्ब्स एंड इवन यूजिंग इट and so many plants have been adopted by students also, so they have promised to take care of that.